नमस्कार मेरे सारे दोस्तों को, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड असम की तरफ से निकल के भर्ती सामने आई है, जो कि पब्लिश हुई थी 19/3/2020 को, और इसके आवेदन चालू होंगे 23/3/2020 से, और इस वैकेंसी को आप 11/4/2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि क्या एज लिमिट चाहिए इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। 18 साल से 38 साल तक का कैंडिडेट्स इस वैकेंसी को आराम से अप्लाई कर सकता है। और आगे देखते हैं एज इलेक्शन के बारे में, तो जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का, और OBC और MOBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का एज इलेक्शन दिया गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो जिस भी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है कोई भी स्ट्रीम से, या कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो वो एलिजिबल है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। और साथ में अदर क्वालिफिकेशन देखे तो NCC में B सर्टिफिकेट और होम गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। और आगे देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, जो भी जनरल OBC MOBC और SC मेल कैंडिडेट है उनकी 162.56 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और फीमेल 154.94 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और जो ST कैंडिडेट है उन ST मेल कैंडिडेट है उनकी 160.02 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट की 152.40 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। आगे आप चेक कर सकते हैं कि क्या चाहिए आपको। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये एप्लीकेशन PDF भी दिया है, आप वहाँ पर भी जाके डाउनलोड करके भी इसे चेक कर सकते हैं। और आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपका पहले रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि OMR शीट के ऊपर होगा, मतलब आपका ऑफलाइन होगा रिटर्न टेस्ट। उसके अंदर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और उसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो होगी 1/2 की, मतलब अगर आपके दो क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, एक नंबर आपका काट लिया जाएगा। उसके अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा रिटर्न एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा, हिस्ट्री ऑफ असम एंड इंडिया रहेगा, और जनरल नॉलेज, इन तीन सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उनकी 1600 मीटर की रेस रहेगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 800 मीटर की रेस रहेगी। और ये जो फिजिकल टेस्ट होगा ये आपका 40 मार्क्स का होगा। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका लॉन्ग जंप होगी। लॉन्ग जंप जो मेल कैंडिडेट है उनकी 335 सेंटीमीटर की होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 244 सेंटीमीटर की लॉन्ग जंप होगी। आगे देखते हैं मेल कैंडिडेट के बारे में कि जो मेल कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देंगे, इसके अंदर जो वो 1600 मीटर की रेस करेंगे, वो उनको मैक्सिमम रेस को पूरा करने का जो सेकेंड है वो आपको 450 सेकेंड के अंदर इस रेस को पूरा करना है। और जो लॉन्ग जंप होगी 335 सेंटीमीटर की, उसके अंदर आपको 3 चांस दिया जाएगा, वो 3 चांस के अंदर आपको 335 सेंटीमीटर की लॉन्ग जंप को पूरा करना है। ये तो था मेल का फिजिकल स्टैंडर्ड। आगे देखते हैं फीमेल का। फीमेल के अंदर भी आपको जो रेस 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी, जो कि 244 सेकंड के अंदर पूरी करनी होगी, और लॉन्ग जंप उनकी है 244 सेंटीमीटर की, उनके अंदर उनको भी 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस के अंदर उन्हें ये लॉन्ग जंप कंप्लीट करनी है। और आगे बताता हूँ मैं इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है इसको अप्लाई करने का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिंक, इसका वेब पोर्टल यहाँ पे भी दिया गया है, इस लिंक पे जाना है। इस लिंक पर जाने के बाद आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इस वैकेंसी को ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। और अभी तो यही था फिलहाल इस वैकेंसी में बताने के लिए। ऐसे ही वैकेंसी की डिटेल टाइम टू टाइम जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।